नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 28 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज के चलते आप कोई भी फार्मा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए। सो एनीवे, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछता है वेस्टरग्रेन टेस्ट यूज्ड टू मेजर, ये वेस्टरग्रेन टेस्ट किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन दिया है जीएफआर, ग्रोमेलुलर फिल्ट्रेशन रेट, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्सॉर्प्शन रेट कांस्टेंट या फिर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर। तो देखिए, ये वेस्टर्न ग्रेन टेस्ट जो होता है, वेस्टरग्रेन टेस्ट, ये यूज होता है टू मेजर ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये ईएसआर मेजर करने के काम आता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पूछता है डीएलवीओ थ्योरी रिलेटेड टू, ये डीएलवीओ जो है वो साइंटिस्ट के नाम से है। देखिए, यहाँ पे ये साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, दर्जागिन, लैंडाउ और बेरवे और ये ओवर बिग करके। तो ये डी एल वी ओ थेरी जो है वो किससे रिलेटेड है। देखिए, ऑप्शन में दिया है कोलाइडल स्टेबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन या फिर सेडिमेंटेशन। तो देखिए, ये डी एल वी ओ थेरी जो है ये रिलेट करती है ऑप्शन ए से, कोलाइड स्टेबिलिटी से दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पूछा है ई कोलाई यानी इशेरेसिया कोलाई एंड प्रोटियस वल्गैरिस गिव्स पॉजिटिव इंडोल टेस्ट एज दे आर कैपेबल टू कन्वर्ट डैश अमाइनो एसिड टू इंडोल मॉइटी। देखो, इशेरेसिया कोलाई और प्रोटियस वल्गैरिस जो है इंडोल टेस्ट पॉजिटिव देते हैं क्योंकि ये कैपेबल है, कोई ऐसा अमाइनो एसिड रहता है जिसे इंडोल मॉइटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये इंडोल टेस्ट में, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड का नाम बताना है। देखो, ऑप्शन में दिया है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन या फिर हिस्टिडिन। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी होगा, ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इकोलाई और प्रोटियस वल्गैरिस जो है वो इंडोल टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूछा है द इंटरफेसियल फोर्सेस आर रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के रिलेटेड है, जहाँ पे इंटरफेसियल फोर्सेस जो है वो रिलेट कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज सैटिस्फाइड बाय, तो ये इंटरफेसियल फोर्सेस आर रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट एंगल, ये किसका स्टेटमेंट है, कौन सा इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन में दिया है नर्स्ट इक्वेशन, हेंडरसन हेसल बैलेंस इक्वेशन, यंग्स इक्वेशन या फिर हिगुची इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ये सेटिस्फाई किया जाता है ऑप्शन सी, यंग्स इक्वेशन से। यहाँ पे यंग्स इक्वेशन भी लिखा है, आप इसे देख लेना। ये इंटरफेशियल फोर्सेस है, यहाँ पे तीन तरीके के, ये एक और ये एक, और ये कॉस थीटा जो बता रहा है वो कॉन्टैक्ट एंगल बताएगा, ठीक है। तो ये यंग्स इक्वेशन को अपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पूछा है ड्यूरम ट्यूब इज यूज्ड इन, ड्यूरम ट्यूब कहाँ इस्तेमाल होती है। ऑप्शन में दिया है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, इंडोल टेस्ट, वोगेस प्रस्कार टेस्ट या फिर मिथिल रेड टेस्ट। ये सारे बायो रिएक्शन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ से सही टेस्ट बताना है जहाँ पे ड्यूरम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट में ये ड्यूरम ट्यूब जो होता है इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसमें गैस जमा होता है, तो उस गैस के जमा करने के लिए ये ड्यूरम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछता है इन केस ऑफ सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट में इसे सेड्स बोलेंगे। इन केस ऑफ सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल और सर्फैक्टेंट व्हीकल दैट प्रोड्यूसेस इमल्शन ऑन कॉन्टैक्ट विथ। देखो, ये सेल्फ इमल्सिफाई हो रहा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना, तो इसमें ड्रग का डिजॉल्व होगा ऑयल या फिर सर्फैक्टेंट व्हीकल में और उसके बाद वो इमल्शन को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो माइक्रो इमल्शन होगा या फिर नैनो इमल्शन होगा, लेकिन उसके लिए किसके साथ कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ऑन कॉन्टैक्ट विथ। ऑप्शन में देखो ब्लड फ्लूड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूड, लैक्रिमल फ्लूड या फिर बॉडी फ्लूड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी सही होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूड में
ये जब जाता है ना सेल्स, तो वहां जाकर के ये इमल्शन बना लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स, सही स्टेटमेंट को पकड़ना है। ऑप्शन में देखो एसिटिल मिथिल कार्बिनॉल, जिसे एसिटोइन भी कहा जाता है, आर डिटेक्टेड बाय वोगेस प्रोस्कर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स गिविंग द पॉजिटिव वोगेस प्रोस्कर रिएक्शन यूजुअली गिव्स निगेटिव मिथिल रेड रिएक्शन। जो ऑर्गेनिज्म वोगेस प्रोस्कर जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव दे रहे हैं, हालांकि वही ऑर्गेनिज्म मिथिल रेड रिएक्शन को निगेटिव देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लेब्सियला स्पेसीज टिपिकली गिव पॉजिटिव वोगेस प्रोस्कर रिएक्शन। वोगेस प्रोस्कर रिएक्शन जो है क्लेब्सियला के लिए पॉजिटिव होगी, या फिर ऑल ऑफ द अबो, सारे स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ से ये सारे के सारे टेस्ट जो ये स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही है, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एसीटोइन और जिसे एसिटिल मिथिल कार्बिनॉल बोला जाता है, ये डिटेक्ट किया जाता है वीपी टेस्ट से, वोगेस प्रोस्कर से। ये अभी जीपैट 2020 में पूछा गया हुआ सवाल है दोस्तों। और देखिए ये वोगेस प्रोस्कर रिएक्शन जो है वो लो एसिड मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम में कैरी किया जाता है, और ये मिथिल रेड रिएक्शन के लिए एसिड होना बहुत ज़रूरी है, तो ये तभी पॉजिटिव आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ये निगेटिव होगा उसी के लिए जो वीपी पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और क्लेब्सियला स्पेसीज जो है वो पॉजिटिव वीपी रिएक्शन देते हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स के पीडीएफ मेंबरशिप अगर आपको लेना है तो आपको मात्र कंट्रीब्यूट करना है 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फोनपे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 को। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को क्लिक करना है, और वहां से ऑल ऑप्शन को क्लिक करके आपने करना है। तो इससे क्या होगा, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो पूछता है इफ द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन ऑन ग्लूकोज फॉस्फेट मीडियम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जा रहा है ग्लूकोज फॉस्फेट मीडियम के ऊपर, एंड आफ्टर इंक्यूबेशन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथिल रेड आर एडेड विच रिजल्ट्स इन रेड कलरेशन इंडिकेट्स। ठीक है, ये इंक्यूबेशन के बाद में थोड़ा सा मिथिल रेड के ड्रॉप्स डाले गए हैं, जिसका रिजल्ट्स क्या मिला है, रेड कलरेशन आ गया है। और ये रेड कलरेशन आना इसका मतलब क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट, ऑप्शन दिया है एसिड प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म, अल्कली प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म, मेटल ऑक्साइड प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म, या फिर परऑक्साइड्स प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, एसिड प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिजम्स होता है दोस्तों। जब ये रेड कलर आता है ना तो समझ लेना कि एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मिथिल रेड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एसिड होता है वहाँ पे, और जब ये निगेटिव आता है तो वहाँ पे अल्कली प्रोडक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो पूछता है H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर में, तो द रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए है उसके नाम। तो देखिए ये रिएक्शन जो है, मैं आपको बता दूँ, ये कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे परऑक्साइड का कैटालिसिस होकर के ब्रेकडाउन होकर के ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखो माइक्रोकोकस, स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर बोथ बी एंड सी, यानी स्टेफेलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैटालेज की वजह से हो रहा है, ये कैटालेज जो एंजाइम है वो ऑप्शन सी में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस में, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। इसके अंदर कैटालेज होने की वजह से ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकता है, और बाकी लोगों के लिए ये रिएक्शन निगेटिव आएगा, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है गिब्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू, गिब्स इक्वेशन किससे रिलेटेड है बताना। ऑप्शन दिया है फ्री एनर्जी, बॉन्डेड एनर्जी, विस्कोसिटी, या फिर वेटलेसनेस। तो गिब्स इक्वेशन जो होता है वो ऑप्शन ए सही होगा, फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। हेल्म होल्ट्स इक्वेशन भी आता है, वो भी फ्री एनर्जी से रिलेटेड करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कंसर्न विथ वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन रेट से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन है। ऑप्शन में देखो हिगिची इक्वेशन,
स्टर्न, वोल्मर इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन या फिर अरेनियस इक्वेशन। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा, स्टोक्स लॉ या फिर स्टोक्स इक्वेशन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है डिजोल्यूशन रेट एंड डिफ्यूजन रेट आर एक्सप्लेन बाय डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। देखो डिजोल्यूशन रेट किसने दिया और डिफ्यूजन रेट के बारे में किसने बोला है ये हमें बताना है, और रिस्पेक्टिव उनका नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो फिक्स एंड हिगुची इक्वेशन, हिगुची एंड फिक्स इक्वेशन, फिक्स एंड नॉइजी विटनी इक्वेशन या फिर नॉइजी विटनी एंड फिक्स इक्वेशन। देखो पहले डिजोल्यूशन रेट है, उसके बाद में डिफ्यूजन रेट है। तो आपको पता होगा डिजोल्यूशन रेट के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, नॉइजी विटनी इक्वेशन होता है, और डिफ्यूजन रेट के लिए फिक्स लॉ होता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये नॉइजी विटनी और उसके बाद में फिक्स, है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन के जो भी है ये सारे नाम आप लोगों ने याद रखना है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, साहलीज मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, साहलीज मेथड किसके एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन में देखो विजन, हीमोग्लोबिन, ट्यूबरक्लोसिस या फिर हाइट। तो साहलीज मेथड है जो यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। देखो यहाँ पे ये अपैरेटस भी दिया है साहलीज का, हीमोग्लोबिनोमीटर होता है ये साइड में ऐसे कलर होता है और इसके बीच में जो ट्यूब होता है उसमें ब्लड सैंपल को ऐड किया जाता है HCl वगैरह ऐड करके, तो इसका कलर इस लोगों से जब तक मैच नहीं होता तब तक उसे डायल्यूट करते जाना होता है। यहाँ पे रीडिंग होती है तो वो रीडिंग डिटेक्ट करता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, तो जनरली ये 12 के अब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये साहलीज मेथड है हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए। देखो पूछा है ब्लड सेल काउंटिंग कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ, है ना, ब्लड सेल काउंट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से हम ब्लड सेल को काउंट कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है माइक्रोटोम, न्यूबॉर चेंबर, डेसिकेटिंग आयोडीन चेंबर या फिर ओसवॉल विस्कोमीटर। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही होगा, न्यूबॉर चेंबर को यूज करके हम ब्लड सेल काउंट कर सकते हैं। देखो ये कोई बहुत बड़ा चेंबर नहीं होता है, ये एक ग्लास स्लाइड होती है, एक स्पेसिफिकेशन से इसे बनाया होता है, इस तरीके की दिखती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं बारीक बारीक करके, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स होते हैं उस पर, तो इसी पे हम ब्लड सैंपल को डाल के उसमें जो भी WBC RBC प्लेटलेट वगैरह होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर हम काउंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको यहाँ डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।